जब अल्लाह सुबहाना ताला तौफीक अता फरमाता है तो फिर इंसान दुनिया के साथ आखरत के हवाले से भी जब ये रविश इख्तियार करता है कि मैं बेहतर से भी बेहतरीन अपनी आखरत का सामान और असबाब जो है वो इकट्ठे कर सकूं, तो बस ये एक एहसास जब पैदा हुआ तो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने मज़हब को अच्छी तरह से पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला कहते हैं ना, उमय्यत तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा उमय्यत तकिल्लाह यरज़ुक्हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो तकवा परहेजगारी इख्तियार करते हैं अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है, रिज़्क़ के भी और तंगियों से भी निकालता है। और इब्तिलाआत तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। अगर इससे कोई बच सकते तो अंबिया बचते। बचपन की मोहब्बत थी जो मेरी फियांसी भी थी, शादी होने वाली थी, तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करने के हवाले से सोच रहा हूँ, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि बस ये सोच लीजिए कि या मैं या फिर इस्लाम। अच्छा, तो मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि ये बचपन की मोहब्बत ऐसे कैसे यानी छूट सकती है या एकदम से ये कैसे बदल सकती है। तो जब मैंने ये फैसला किया कि नहीं मैं इस्लाम कबूल करूँगा, तो पीछे मुड़ के देखा ना वो बचपन की मोहब्बत थी, ना वालदैन थे, ना बहन भाई थे, ना अजीज़ा व अकरबा थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आप इस बात पे बहस कर रहे हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम की 25 दिसंबर को पैदाइश मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, हमें तो पैदाइश दूर, हमें तो साल भी कन्फर्म नहीं है कि मसीह अलैहिस्सलाम का साल भी यही है कि नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कुछ जैसे आप कहते हैं नादान बिजनेस मैन है, ये इस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी बड़े बड़े जो मॉल्स हैं या जो मार्केट्स हैं उस पर अगर आप जब क्रिसमस करीब आती जाते हैं तो ये ट्री के मज़ाहिर नज़र आने लग जाते हैं। क्रिसमस को मार्केट करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर जो है वो क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज जो है उसके जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं, फिर बाकायदा तौर पे उसके ड्रेसेस वगैरह, उसकी कैप्स वगैरह, कैंडल्स हैं, फिर आपके इलम में होना चाहिए कि फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत की वो उनमें से है। और देखें इसमें अगर आप देखें ना, ये एक यानी बुनियादी यानी दीनी त्यौहार है। एक होता है ना कल्चरल हो गया, ये तो दीनी खालिस दीनी त्यौहार है, उसमें आप शामिल हो रहे हो और उसमें आप मुशारकत कर रहे हो, चाहे ज़ुबान से करें या जिस्मानी तौर पर या गिफ्ट ले जाके भी। तो उसमें एक अंदाज़ में ये कि जो जिनकी मुशाबहत करते हैं वो उनमें से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज इंशाल्लाह हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने एक माशाल्लाह खुसूसी गेस्ट को बुलाया है, उस पे उनके बारे में भी जानेंगे। और जो मौजू है हमारा वो है क्रिसमस, क्योंकि आजकल एक अंदाज़ में क्रिसमस के मौसम चल रहे हैं और दिसंबर का महीना भी चल रहा है, तो हम जानना चाह रहे थे कि क्रिसमस के बारे में भी और जो शख्सियत हैं उनका भी उसके साथ कोई ना कोई एक अंदाज़ में कनेक्शन है, कोई ना कोई ताल्लुक है। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट जनाब अब्दुल वारिस भाई को वेलकम कहते हैं। खुश आमदीद अब्दुल वारिस भाई, बहुत खुशी हुई आप आएँ। माशाल्लाह शॉर्ट नोटिस पर आपने हाज़िरी दी और अल्लाह आपको जज़ा खैर। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इंसान है कोई वो होती है, लेकिन ये कि जब आपने मुझे कॉल की कि शेख साहब मैं लेट हो गया हूँ, मैंने बोला आप आएँ फिर मैं आपकी क्लास लेता हूँ, तो क्लास यही है आज हमारी। तो असल में माशाल्लाह आपने माशाल्लाह एक अंदाज़ में हुकूक़ुन्नास जो फाउंडेशन है उसमें उसको आप माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में चला रहे हैं, अल्लाह कबूल करें। तो मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप एक अंदाज़ में पहले किसी ज़माने में क्रिश्चियन थे या मसीही थे, उधर से आपकी कैसी जर्नी रही एक मुख्तसर अंदाज़ में, और इसी तरह यानी क्या आपको चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी इस खूबसूरत दीन को अपनाने के लिए। बारकल्लाहु फिकुम शेख साहब, मेरे लिए सादत की बात है कि उलमाए किराम मुझे बुलाएं और मैं हाजिरी दूं, तो इंशाल्लाह मेरे लिए बहुत सादत की बात है। बारकल्लाहु फिक। दूसरा आपने जो सवाल किया है कि ईसाइयत से इस्लाम तक का सफ़र कैसा रहा, तो यकीनन जिस तरह हम दुनियावी लिहाज से बेहतर से भी बेहतरीन की तलाश में होते हैं, तो जब अल्लाह सुबहाना ताला तौफीक अता फरमाता है तो फिर इंसान दुनिया के साथ आखरत के हवाले से भी जब ये रविश इख्तियार करता है
कि मैं बेहतर से भी बेहतरीन अपनी आखिरत का सामान और असबाब जो है वो इकट्ठे कर सकूं। बिल्कुल। तो बस ये एक एहसास जब पैदा हुआ तो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने मज़हब को अच्छी तरह से पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। जब उसी के अकायद व नज़रियात और उसकी तालीमात वाज़े और खुल के सामने आई तो अंदाज़ा हुआ कि ये तालीमात जो है वो अपनी असल पर अब नहीं है, अफरात व तफरीत का शिकार हो चुकी हैं, काफ़ी बिगाड़ आ चुका है, काफ़ी जो है वो इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला ने उसके बाद फिर मुख्तलिफ मज़ाहब का मुताला करने की तौफीक अता फरमाई। ईसाइत, यहूदियत, हिंदू मत, सिख। अच्छा, यानी मुख्तलिफ आपने जी कंपैरेटिव स्टडी की। मज़ाहब का मुताला करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लाम का मुताला किया तो इस्लाम का मुताला करने के बाद एक ख़ास तरह का शरह सदर मैसर आया, जो इस्लाम की खूबसूरत तालीमात है, जो दलायल और बराहीन के साथ वो अपने अकायद व नज़रियात को ना सिर्फ बयान करता है बल्कि उसके दलायल पेश करता है और फिर फितरत भी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ अल्लाह वही हो सकता है जो इस कायनात को पैदा करने वाला है, जो रिज़क फ्राहम करने वाला है, जो ज़िंदगी और मौत देने वाला है और आखिरत में जो हिसाब किताब करने वाला है, वही अल्लाह हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करने के बाद रसूलुल्लाह से एक गैर इख्तियारी मोहब्बत हो गई माशाल्लाह। और उसके बाद ओवरऑल इस्लामी तालीमात और उसकी जो एक नज़रिया हयात और हयात बादल मौत का एक जो तस्वुर उसने पेश किया आखरत की कामयाबी और कामरानी के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर शरह सदर हुआ और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद आप फरमा रहे थे कि कुर्बानियाँ, तो सच्ची बात है कि आज तो सिर्फ मैट्रिक तक पहुंचने में हम 10 बार इम्तिहान देते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें जन्नतों में दाखिल करना है और अल्लाह हमारा इम्तिहान ना ले। लेकिन ये हुआ कि जो तंगी, तकलीफ़ें, परेशानी, मजबूरियाँ आईं, ये जो अल्लाह की राह में मैंने सेक्रीफाइस किया, अल्लाह ने उससे कहीं ज़्यादा मुझे अता फरमाया। ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का खास फजल है। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं ना, उमय तकिल्ला जाल मखरजा, उमय तकिल्ला यरज़ुक़ुहु मिन हैथु ला यहतसिब। जो तकवा परहेजगारी इख्तियार करते हैं अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है, रिज़्क़ के भी और तंगियों से भी निकालता है। और इब्तिलाआत तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। अगर इससे कोई बच सकते तो अम्बिया बचते, जो अल्लाह के सबसे मुकर्रब तरीन बंदे हैं। और इसी तरह हदीस में है कि अशदुन्नासी बलाअन अल-अम्बिया थुम्म अल-अम्सल फल-अम्सल, यानी सबसे शदीद तरीन इब्तिलाआत में जो मुब्तला हुआ अम्बिया हुए। तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। बल्कि आजकल एक क्लिप भी है, वो भी बहुत वायरल हुआ कि सेक्रीफाई में सबसे ज़्यादा, यानी अब तो खैर वो फील नहीं होता, लेकिन उस वक़्त सबसे ज़्यादा जो फील होता था वो बचपन की मोहब्बत थी। जो मेरी फियांसी भी थी, शादी होने वाली थी, तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करने के हवाले से सोच रहा हूँ, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि बस ये सोच लीजिए कि या मैं या फिर इस्लाम। अच्छा। तो मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि ये बचपन की मोहब्बत ऐसे कैसे यानी छूट सकती है या एकदम से ये कैसे बदल सकती हैं। तो जब मैंने ये फैसला किया कि नहीं मैं इस्लाम कबूल करूँगा, तो पीछे मुड़ के देखा ना वो बचपन की मोहब्बत थी, ना वालदैन थे, ना बहन भाई थे, ना अजीज़ा व अकरबा थे, लेकिन आगे अल्लाह थे, रसूलुल्लाह थी, किताबुल्लाह थी और उम्मत के बेहतरीन लोग थे कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दस्ते शफकत भी सर पे रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, ना सिर्फ अल्लाह ने उसको बढ़ा चढ़ा कर दिया बल्कि बेहतर से भी बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, नो डाउट। और इस आपके इस किस्से से हम जो पैदाइशी मुसलमान हैं, जो विरासती मुसलमान हैं, उनको इस नेमत की कदर करनी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर आप देखें ना, हम लोगों को अल्लाह माफ़ करे, बहुत से मुसलमानों को कदर नहीं है उस इस्लाम की जिसमें वो पैदा हुए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक हम एक ब्लाइंड फॉलोअर हैं, हमने अभी तक इस्लाम को सही तरीके से समझा नहीं, तो उसकी कदर कैसे करेंगे। आप वो शख्स हैं ना जिन्होंने वो तारीकियां भी देखी हैं, अब उस उजाले में आप जी रहे हैं जिसकी आपको अब कदर हो रही है। तो अल्लाह हमें वो कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद देखें, अगर आप देखें, आप भी जब बचपन में थे या जब आप मसीही थे, उस वक़्त भी क्रिसमस वगैरह मनाते होंगे, तो उस वक़्त कैसे चीज़ें होती थी, और या ये जो क्रिसमस है इसकी असल हकीकत क्या है,
इसके मुतालिक कुछ लोग बोलते हैं कि इसके मतलब एक तो क्रिस जो मिस हो गया और मैस, इन दोनों का क्या मतलब है, और ये सारा आप ज़रा इसके बारे में अगर हमें बताएं। शेख साहब, ये जो क्रिसमस है ये दो अल्फाज का मजमुआ है, क्राइस्ट एंड मैस। जी, मसीह अलैहिस्सलाम के लिए क्राइस्ट लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। और मैस यू नो इकट्ठा होना, जमा होना जी जी। अच्छा, तो यानी मसीह अलैहिस्सलाम के लिए जमा होना, इकट्ठा होना, ये इसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे पहले भी आपने जो पूछा ना कि आपके ज़माने में भी, तो सच्ची बात है कि हमारे बचपन में शायद ये कमर्शलाइज नहीं था इतना। अच्छा। आज इतना इसको कमर्शलाइज करके मुसलमानों में और मुसलमानों के मॉल्स तो में, आजकल मुसलमान उनसे भी ज्यादा अंदाज में। तो ये बहरहाल हमारे बचपन वाला क्रिसमस नहीं है, ये तो अजीबो गरीब किस्म की कोई त्यौहार है। तो और ये एक ऐसा त्यौहार है शायद कि जिसके बारे में शायद मसीही भी इतने जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अच्छा, अच्छा, इसकी यानी ऑथेंटिसिटी के हवाले से, इसकी तारीख के हवाले से। अच्छा, तो ये भी इतने बेचारे कॉन्फिडेंट। अगर आप हमें कुछ बताएं मसलन क्या यानी जो मसीह अलैहिस्सलाम की जो तारीख पैदाइश है, क्या इस पे यानी कुछ ऐसा हमें लगता है हम मुसलमानों को कि सारी क्रिश्चियनिटी इस पर मुत्तफिक है और उनके पास एक अंदाज में एक इजमा है कि 25 दिसंबर को ही पैदा हुए थे, या उनमें इख्तिलाफ पाया जाता है, उसमें कुछ लोग मनाते भी हैं कुछ लोग, इसके बारे में क्या आपके पास? इसमें सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि 25 दिसंबर जो कैथोलिक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक स्कूल ऑफ थॉट है, फिरका है, इनका सेक्ट है ईसाइयत का, वो 25 दिसंबर को सिर्फ मनाते हैं। अच्छा। आर्मेनिया की कलीसिया जो है वो इसको 19 जनवरी को। अच्छा। और कुछ कलीसियाएं हैं जो इसको 6 जनवरी को। अच्छा, भी मनाती हैं। क्या कुछ ऐसे भी जो नहीं मनाते? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा। हैं, यानी इनके एक मारूफ स्कॉलर हैं शहजाद तहसीन गिल गुल। अच्छा। तो वो कहते हैं कि ये पैगनिज्म है। अच्छा, अच्छा, बुत परस्ताना कवाम की रविश है जो आप, उन्होंने कहा कि मसीह अलैहिस्सलाम का और ईसाई है और सेमिनरी में वो पढ़ाते हैं, यानी कोई आम बंदा नहीं, उनके उनके मजहबी रहनुमा है, बिल्कुल वो इसको पढ़ाते हैं। इससे भी आगे अगर आप जाइए तो पॉप फ्रांसिस से पहले, फ्रांसिस को से पहले जो एक पॉप बेनेडिक्ट थे। अच्छा। उनकी किताब है द जीसस ऑफ नाजरत। अच्छा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आप इस बात पे बहस कर रहे हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम की 25 दिसंबर को पैदाइश मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, हमें तो पैदाइश दूर, हमें तो साल भी कंफर्म नहीं है कि मसीह अलैहिस्सलाम का साल भी यही है कि नहीं है। अच्छा, इससे भी आप जरा जो इनके हिस्टोरियंस हैं अगर तारीख में जाए देखें, अपना सीरा निगार है कैनन फेरर है, उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम की सीरत पे किताब लिखी है लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो उसमें वो लिखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश नहीं बल्कि साल में भी इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम दरअसल जो ये जो इस वक्त हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 2022 चल रहा है, तो ये मसीह अलैहिस्सलाम से इसका आगाज होता है। वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम इससे 6 साल कबल पैदा हो चुके थे। माइकल हार्ट की किताब दी 100 में अगर आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम इससे 4 साल कबल पैदा हो चुके थे। अब जिस यानी मजहबी शख्सियत का या मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से जिनके तारीख़ें यानी तारीख पैदाइश की तो बहस ही आप छोड़ दीजिए। अच्छा देखें अब्दुल वारिस भाई, कुछ लोग समझते हैं कि इसकी कोई दलील यानी बाइबल में मौजूद है, तो क्या बाइबल में इसकी तरफ कोई हमें मिलता है इशारा या इसकी तरफ कोई वाज़े पैगाम के क्या बोलते हैं हज़रत मसीह इस साल पैदा हुए या इस तारीख को पैदा, बाइबल में इस तरह कुछ है? बाइबल में जब मसीह अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब ये पैगाम दिया जाता है कि देख तेरे यहाँ बेटा होगा और तू एक बच्चा जनेगी, तो ये एक बशारत मिलती है, लेकिन वो बशारत मिलती है 6 महीने की, यानी यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 6 उसमें है। अच्छा। कि देख तेरी तेरी अजीज रिश्तेदार अलिशबा वो 6 महीने का उसमें, वो 6 महीना जो है वो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक है। जब यहूदी कैलेंडर के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम उस 6 महीने से 9वें महीने तक जाती हैं, तो वो तकरीबन जनवरी या फरवरी का महीना है जिसमें खजूरें, यानी अरब में अमूमन जो है वो मार्च के दौरान जो है वो, तो वो तकरीबन बनता है। एक बाइबल में हवाला मिलता है कि जब मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है तो उसमें लिखा है कि उस वक्त जो है वो गडरिए यानी जो चरवाहे हैं
चरवाहे अपनी बेड़ों को लेके खुले मैदान में जो है वो अपना आराम कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो यहूदिया का एक इलाका है वहाँ शाम, यानी यहूदिया का जो इलाका है फलस्तीन की तरफ, वहाँ तो सर्दियों में शदीद ठंड और बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते, बिल्कुल सर्दी और बारिशों का मौसम है। तो उसमें यह है कि मरियम अलैहिस्सलाम ने मसीह अलैहिस्सलाम को लिया और चरनी में डाल दिया, यानी वो जो एक हमारे बच्चों के लिए जो रखने की जगह झूला होता है, जी जी जी। तो कौन माँ खुले आसमान में और चरनी के नीचे डालेंगे और सर्दियों में, तो इससे ही पता चलता है कि वो गर्मियों का मौसम था। और कुरान में सूरा मरियम ने जो एक नक्शा खींचा है ना, और फिर ठंडे पानी से जो है वो अपना मुस्तफीद होइए, फिर खजूरें खाइए, तो इससे भी अंदाजा होता है कि वो खजूरें पकने का जो है वो मौसम था, बिल्कुल। और लेकिन इसके अलावा कोई वजाहत नहीं मिलती, बिल्कुल वजाहत नहीं है, बल्कि इनकी कामूसल किताब है मसीहियों की एक, अच्छा। मजहबी यानी इनके जो इदारे हैं उन्होंने शाया की और इसमें काफ़ी सालों से चलती आ रही है, उसमें उन्होंने वाज़े अंदाज में लिखा है कि मसीह अलैहिस्सलाम की सन पैदाइश और तारीख़ पैदाइश के हवाले से हमें कुछ पता नहीं है, अच्छा, अच्छा, बस इतना उन्होंने लिखा है कि जब जो ऑक्सटाइन ये जो था ऑक्सटीन वो जब 1325 में जब उसने ईसाइत को कबूल किया है तो उस वक्त उसने जो है वो नहीं ऑक्सटीन नहीं मेरा ख्याल है उसका नाम कुछ हो रहा है मुझे याद नहीं आ रहा, तो आ जाएगा कुस्तुंतुनिया, कॉन्स्टेंटाइन, वो उसने जब 325 में ईसाइत कबूल किया है तो ये उसके बाद फिर जो है वो इसको मनाना, क्योंकि उसके दौर में ज्यूस और कुछ और बुतों की वो बड़ा उनके जी मनाए जाते थे, तो उन्होंने उस चक्कर में जो है वो इसको भी बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया, लेकिन मजहबी किताबों में कोई ना वजाहत है ना कोई दलील है। क्रिश्चियनिटी का एक लिबास पहना दिया उनके यहाँ, ऐसा था कि जब ये गए हैं दीगर ममालिक खासकर रोम की तरफ जब गए हैं तो रोम में बहुत ज्यादा जश्न जोहर मनाया जाता था, सैचुरनलिया, बिल्कुल। और इन्होंने ये कहा कि चले हम बजाय यानी इनको ईसाइत में लाने हम थोड़ा सा रोमनाइज क्रिश्चियनिटी को करने की कोशिश, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमनाइज करने के चक्कर में इतने त्यौहार और इतनी उनकी रस्मुआत ले ली कि उनका जो सबसे बड़ा जश्न जोहर था सैचुरनलिया जो मनाया जाता था वो इसी डेट, तो उसको जब इन्होंने कॉपी किया तो करते करते इस वक्त पूरी ईसाइयत जो है ना वो रोमनाइज है, पैगनिज्म का शिकार हुई पड़ी है ये, हद तक कि मैंने अच्छा देखे, ये इनके अपने मजहबी ने उन्होंने लिखा है कामूसुल किताब में लिखा है, हमने नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैंने पिछले कुछ दिनों पहले ना एक यानी इनका अपना चैनल है बड़ा मारूफ, उसमें एक बाकायदा एक जो क्रिश्चियन जो रहनुमा है जिसको ये लोग फादर कहते हैं, वो उसमें बाकायदा कहते हैं कि ये वसनियत से लाई गई चीज़ है हमारी नहीं है। अच्छा अगर अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कुछ हमारे माशाल्लाह कुछ हमारे अहबाब हैं अपने मुसलमान भाई हैं जो बड़े माशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने सर यानी तस्लीम ख़म करते हैं, वो अपनी सर झुकाते हैं और उसमें उनका कभी ऐसा होता है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होती, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैं किसी को कहूं मैरी क्रिसमस तो क्या इसका ये मतलब है कि मुबारक हो तुम आज खुदा ने बेटा जाना है, नाऊज़ु बिल्ला वो लोग यूँ कहते, तो क्या इसका ये मतलब है अगर जब कोई बंदा किसी को कहता है कि मैरी क्रिसमस तो बोलते हैं इट्स जस्ट अ वर्ड, इसमें क्या हर्ज है? शेख साहब इसमें ना लुगवी एतबार से तो बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन इस्तलाही एतबार से इसका मतलब यही है। मसलन इस साल के आगाज में जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है यानी सन ईसवी के हवाले से वो है एडी, अच्छा अक्सर लोग इसको समझते हैं कि आफ्टर डेथ मसीह अलैहिस्सलाम, लेकिन इसका मतलब आफ्टर डेथ नहीं, अच्छा, इसका मतलब है एनो डोमिनी, अच्छा एनो डोमिनी का मतलब है कि हमारे खुदावंद का साल, अच्छा यानी हमारा खुदावंद जब पैदा होता है और उससे ये शुरू होती है तारीख, तो एनो डोमिनी यानी हमारे खुदावंद का साल, ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, अच्छा अच्छा। तो बज़ाहर तो लगता है कि मैरी क्रिसमस का मतलब ये नहीं या हैप्पी क्रिसमस का मतलब ये नहीं है, लेकिन आप उसको किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं असल ये मसला है। अगर आप उसको इस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज मसीह अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं तो वो तो मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा ही मानते हैं और उनका अकीदा है कि आज हमारा खुदावंद पैदा हुआ है, इसीलिए वो उसको कहते हैं एडी, हमारे खुदावंद का साल,
तो इसलिए ये कहना यानी आप कुफर को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने ईमान को जो है वो खतरे में डाल रहे हैं, आप इस बहस में क्यों पढ़ते हैं? मसलन एक शख्स की शादी हो रही है या उसके बेटे की शादी हो रही है, तो आप उसको जाके ये थोड़ी ना कहते हैं कि आपको आपके बेटे की शादी की मुबारक हो, आप उसे सिंपल ये कहते हैं कि मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये अंडरस्टूड होता है कि आप किस बात की मुबारक दे पाते। अगर किसी का निकाह हुआ है या कोई फोत हो गया तो आप जब उसके साथ इजहारे ताजियत करते हैं जाके, तो यही कहते हैं ना कि जी बहुत दुख हो, आप ये तो नहीं कहते कि आपकी खाला, आपकी अम्मी, आपके अब्बू का इंतकाल हो गया। तो इतना काफी होता है, सिंबॉलिक जो होता है असल में, सिंबॉलिक बिल्कुल। तो जब यहाँ पे हम कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, तो उसके जो पीछे पूरा वाकया चल रहा है वो ये है कि ईसाइयों का जो अकीदा है कि आज खुदा ताला ने बेटा जना है, और अल्लाह सुभानहु व तआला ने यही कि ये कैसी बात की, ये ऐसी बात कह रहे हैं कि करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए। बिल्कुल, अल्लाह तो इसे इज्तनाब करना चाहिए हमें इसकी ग्रामेटिकली, या इसकी जो है अगर ये आप देखें ना, यानी قل هو الله احد کے خلاف ہے یہ, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, یعنی ہمارے عقائد کی بنیاد کے خلاف ہے یہ کلمہ, تو نہیں کہنا چاہیے اس میں. اب ہم کیوں اس میں لچک پیدا کریں؟ اب دیکھیں عبد الوارث بھی, اگر ہم دیکھیں نا, جب آپ نے یہ ساری بتا دی ہسٹری ہم کو کہ یہ یعنی خود عیسائیوں کے مابین اس میں اختلاف ہے, اور اس میں خود تین چار گروہ بنے ہوئے, کچھ تو ایسے بھی ہیں جو نہیں مناتے, کچھ ایسے جو بولتے یہ پیگن سے لائے گئے, وثنیت سے لائے گئے, اور ان کے اپنے لوگ ہیں. بالکل, اب یہ سب ہونے کے بعد اگر آپ دیکھیں اس کو کس انداز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, کس انداز میں اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے, اور اگر ہم اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کا بزنس سے کیا تعلق ہے. اگر آپ دیکھیں, اور آپ انشاءاللہ ہمیں مزید بتائیں گے کہ دنیا میں یہ خاص کر ویسٹرن جو بزنس ہے یا جو بزنس مین ہیں, ان کا ریلیجن سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, ان کا پیتا ان کا اصل ریلیجن تو منی, پیسہ. تو اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے لوگوں کا کیا بگاڑ ہے, تو انہوں نے اس کو ایسا پروموٹ کیا کہ 25 دسمبر کو اتنے زیادہ اس کی تیاری میں لوگ خرچ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں عبد الوارث بھائی؟ اس میں دیکھیں کہ بزنس مین اور ان لوگوں کے بارے میں, اس میں آپ دیکھیں کہ ہم یہ بات کو بڑی اچھی طرح سے ڈسکس بھی کیا ہے. لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو میری اس پہ ایک بڑی ان ڈیٹیل کتاب بھی ہے, کرسمس کی حقیقت تاریخ کے آئینے میں. جی جی بالکل, یہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے دیکھیں ماشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم نے عرض کی کہ اس کا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہوتا تو کسی بھی مذہبی اپنا عقائد و نظریات اور اس کے رسومات کا تعلق جو ہے نا اس کے اولین ماننے والوں سے ضرور ہوتا ہے. یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا ہوتا, یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خوارین ہیں انہوں نے منایا ہوتا, تو سمجھ آتی یہ 325 سال بعد اس کا جو ہے وہ اجرا ہوتا ہے, اور آج ہم اس کو پورے جوش و خروش سے منا رہے ہیں. دوسرا, آج اس کی پروموشن, یعنی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے جب مائک وغیرہ سیٹ ہو رہے تھے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب کوئی کمپنی اپنے آپ کو ایز اے برانڈ اس کی مارکیٹنگ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے اسٹارز کو لگاتی ہیں. بالکل, وہ بڑے بڑے اسٹار کے اوپر جو ہے نا اس کی پروگرامز ہوتے ہیں اور اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ ایک ٹرینڈ بنتا ہے. بالکل, اسی طرح ہی ہوا اس کو بھی کہ انہوں نے کرسمس کو مارکیٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے برانڈز کے اوپر جو ہے وہ کرسمس ٹری اور سانتا کلاز جو ہے اس کے جو سمبولک چیزیں ہیں, پھر باقاعدہ طور پہ اس کے ڈریسز وغیرہ, اس کی کیپس وغیرہ, کینڈلز ہیں. پھر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یورپ میں بلینز کی, بلین نہیں ٹریلین ڈالر کا جو ہے وہ یہ بزنس ہے, اور یہ ایک دن ہونا ہوتا ہے اور اس کی ایک مہینہ پہلے سے مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور امریکن ایک یو کے کی رپورٹ ہے, اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ یعنی ملین ڈالر کے تو صرف ٹری بکتے ہیں. اب جن کے ملین ڈالر کے ٹری بکتے ہوں تو کیا اس کو وہ مارکیٹ نہیں کریں گے؟ کیا وہ اس کو ختم ہونے دیں گے؟ جن کی لائٹس جو ہے وہ بکتی ہوں اس نام پہ, جن کے سانتا کلاز جو کاسٹیومز ہیں وہ بکتے ہوں, اور جن کے کیک بکتے ہوں, جن کی شراب بکتی ہو یعنی اس دن کے حوالے سے, کیا اس کو وہ پیچھے ہٹنے دیں گے؟ تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ بزنس کے طور پہ جو ہے وہ یعنی اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا, سامنے لانا اور بڑے بڑے برانڈز کے اوپر جو ہے وہ آنا. اور وہاں سے ہمیں کیا نقصان ہوا؟ ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو ٹرینڈ ہے اور ہم ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. بالکل بالکل, وی آر بلائنڈ فالوور. ہاں جی, اور خاص کر اگر گورا کر رہا ہوں تو پھر تو گورا کر رہا ہوں. تو لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں ابھی بھی جو غیرت ایمانی ہے وہ ایسی اس قدر ہے
कि जब इनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो बात बता दी जाती है ना, तो उससे एतराज़ ज़रूर करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि आजकल अगर हमारे कुछ नादान मुसलमान हैप्पी क्रिसमस या क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं या केक काटते हैं, उनको तो शायद उनको हमने बताया नहीं कि भाई कुरान और सुन्नत में इसकी जो है वो भी, बल्कि वो आप इसमें आप खुद इस पर रोशनी डालिएगा कि वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके हवाले से शाम में क्रिश्चियंस को पाबंद किया था कि अपनी चार दिवाली के अंदर ये सारे आप प्रोग्राम्स करेंगे, और मना किया मुसलमानों को कि खबरदार इनके मुसलमानों यानी मुसलमानों को कि इनके त्योहारों में शिरकत नहीं करनी, क्योंकि इस दिन जिस दिन ये इस बात का खुशी मना रहे होते हैं कि आज खुदा ने बेटा जना है, तो उस दिन अल्लाह का अजाब नाज़िल हो रहा होता है, तो फरमाया कि खबरदार इसमें शिरकत नहीं करती, और आइमा ने इस पे जो है उसकी आप इस पे तो इजमा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो नादान मुसलमान है, मैं आपको बताता हूँ कि वन आई वाज क्रिश्चियन, तो उस वक्त आखिरी जो क्रिसमस था वो मैंने बड़े धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया, और सेलिब्रेट किया तो उसमें जो 95% पार्टिसिपेशन थी वो मुसलमानों की थी, और ना सिर्फ उन्होंने उसमें शिरकत की बल्कि अखराजात में भी जो है वो मेरे साथ उन्होंने बहुत ताउन किया, कोई बियर लेके आ रहा है, कोई ट्री लेके आ रहा है, और कोई तो यानी मुझे उस पर शर्मिंदगी भी है, अल्लाह से उस पर जो है वो भी माजत भी अल्लाह से माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि वो नादान किस्म के दोस्त थे मेरे, और जब उनको बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग, तो इस वक्त इसको जो है ना वो कमर्शलाइज किया, बिल्कुल बिल्कुल, और कमर्शलाइज करने का नुकसान ये हुआ कि हमारे जो नादान मुसलमान है उनको बेचारों को पता नहीं होगा, उन्होंने उस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, इसमें अगर आप ये भी देखें ना, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कुछ जैसे आप कहते हैं नादान बिजनेसमैन है, ये इस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी बड़े बड़े जो मॉल्स हैं या जो मार्केट्स हैं उस पर अगर आप जब क्रिसमस करीब आती जाते हैं तो ये ट्री के मज़ाहिर नज़र आने लग जाते हैं और उसको सजाया जाता है, हालांकि अगर आप देखें पाकिस्तान में क्रिश्चियंस यानी इतने ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी उसको ऐसे मनाया जाता है जैसे कि यानी अपने हमारे जो बिजनेसमैन अहबाब है, बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि देखें बिज़नेस करना कोई हराम चीज़ नहीं है, खुल के बिज़नेस करें सबसे बेहतरीन काम है, लेकिन जितना हो सके इंसान कोशिश करे कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे लोगों में गलत अफकार और गलत नज़रिया उसका पैदा हो। और देखें अगर आप इसके हमारे बच्चों पर भी असर पड़ते हैं। बिल्कुल शेख साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत मुतमिन हूँ। इकबाल कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, बिल्कुल ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी है। नो डाउट, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो जिस तरह मैंने तौहीद पढ़ी थी ना उसको वैसा ही पाया। माशाल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत आपकी आखिर यानी ख़त्म नबूवत के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से मैंने जैसा पढ़ा था वैसा ही पाया। उम्मत मुस्लिमा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यानी इसको जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आपको बात बताते हैं ना, ये एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लाहौर बल्कि अब तो पाकिस्तान का वो एक ब्रांड है गोरमे बेकरी। अच्छा अच्छा, गोरमे वालों ने वैलेंटाइन डे के ऊपर कुछ अपने वो टैग्स लगाए और अच्छा, उसको बहुत मशहूरी की। अच्छा अच्छा, मैंने उनको कॉल की। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि जी आप तो माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी प्रोडक्ट आपने दी, एक यानी अपना लोकल ब्रांड पाकिस्तानी बिल्कुल, और उस पर मैंने उनसे कहा कि आपकी हर जो है वो बेकरी के बाहर इया का नाबुदू अया का नस्ताइन लिखा होता है, तो मैंने कहा कि आपको पता है कि ये वैलेंटाइन डे क्या है, वैलेंटाइन डे को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसके स्पेशल केक बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात बड़े तहम्मुल से सुनी और कहा जी हम इस पे जो है वो गौर व फिक्र भी करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसको हम आइंदा कभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। माशाल्लाह, मैं हैरान हो गया। इसी तरह शैजान, चूंकि हमें पता है कि ये मर्जियों की प्रोडक्ट है, कादियानियों के प्रोडक्ट है, तो मैंने उनको कंप्लेन की, मैंने कहा कि जी हम तो मुसलमान हैं, यानी वो अपनी प्रोडक्ट बेच के हमारे मुसलमानों को उन पैसों से अगर गुमराह कर रहे हैं तो क्या आप इसमें उनको सपोर्ट करेंगे? कहा जी इंशाल्लाह हम इस पर गौर, और मैंने देखा कि उन्होंने उस ब्रांड से उसको जो है वो उठा दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इस अल्हम्दुलिल्लाह अगर अच्छे तरीके से आप इनको बात बताते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं, पहुँचाते हैं, तो ये बिल्कुल बात जो है वो उस पर। इसी तरह पिछले दिनों हमारा एक प्रोग्राम था, अच्छा, और उस प्रोग्राम में नह स्टूडियो का भी यानी हमारे पार्टनर थे, मीडिया पार्टनर थे वो, तो हम कुछ मिसमैनेज हो गया और मुझे एहसास भी हुआ कि हमसे मिसमैनेज हो गया। मैंने उनको कॉल की कि जी मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ और मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। अच्छा,
तो उनकी सारी टीम जब हम गए तो उन्होंने हमें नाश्ता करवाया। आप तसव्वुर कीजिए कि कैसी अच्छी कौम है हमारी, हम उनसे माफी मांगने के लिए जा रहे हैं, माजरत करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने उसका तज़किरा भी नहीं किया और हमें बेहतरीन जो है वो नाश्ता करवाया। ऐसे हम अच्छे। अभी जब सुबह आपके पास आना था तो मैंने आपसे कहा कि शाह साहब मैं गलती हो गई, लेट हो गया हूँ, तो आप प्लीज, तो आपने आते सार क्या किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम अगर अच्छे तरीके से अपने लोगों को बात इसमें कोई शक नहीं, माशाल्लाह हमारे पास खैर बहुत मौजूद है, बस उसको मज़ीद निखारने की और आगे पेश करने की ज़रूरत है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत कौम में खैर है। लेकिन मसला ये होता है कि जो मीडिया पे दिखाया जाता है उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि सबसे बदतरीन कौम है। इसीलिए हदीस में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन قال هلك الناس فهو اهلكهم, जो बोलते हैं कि लोग हलाक हो गए, लोग बर्बाद हो गए, असल में वो खुद सबसे बर्बाद होता है। बिल्कुल, तो इसलिए हमें अपना जाविया नज़र तब्दील करना, उसमें हर वक्त पॉजिटिव और एक ईजाबी, और हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला تتشائم, एक मुशामत, एक मनहूसियत नहीं, बल्कि आप बोले تفاءلوا بالخير تجدوا, एक आप हुस्ने ज़न और एक अच्छी उम्मीद रखें तो इंशाल्लाह हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया जो दिखा रहे हैं ना, असल में मीडिया एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है कि एक पेंटर था, उसने एक शेर की तस्वीर बनाई और शेर की तस्वीर बनाते हुए उसने मंजर ये पेश किया कि उसने ऐसे हाथ में शेर की गर्दन को पकड़ा हुआ और ऐसे लटकाया हुआ, तो शेर ने उससे कहा कि अगर ये ब्रश मेरे हाथ में होता ना तो फिर मैं देखता कि तुम कैसे बना। तो मीडिया असल में बुर्का दाढ़ी वाले, अच्छे अफकारों नजरियात रखने वाले, इस्लाम की बात करने वाले, उनको दकिया नोज करके जो है वो पेश कर रहा है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह। शेर साहब दूसरी बात यह है कि हम दूसरे को फॉलो उस वक़्त करें कि जब हमारी अपनी कोई तहजीब ना हो, हमारे अपने त्यौहार ना हो, हमारे अपने मसनून आमाल ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस है तरकतुकुम अला मिल्लतिन बैज़ा लैलुहा कनहारी, मैं तुम्हें एक ऐसी रोशन मिल्लत के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि जिसकी स्याह रात भी दिन की तरह रोशन। तो हमारे तो इतने खूबसूरत त्यौहार है, खूबसूरत मसनून आमाल है, हमें दूसरे को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम अगर आप ये भी देखें ना अब्दुल वारिस भाई, असल में ये होते हैं कि हम लोगों के अंदर ना कभी कभी एक अंदाज में एहसास से कमतरी होती है, क्योंकि हम लोग को इस चीज़ का एहसास नहीं कि कितने पावरफुल और कितने यानी ऐसे पावरफुल बिलीव वाले दीन पे हम कायम हैं, उसके एहसास नहीं होने को जैसे हम अंदर एहसास से कमतरी होती है उन लोगों को देख के जिनके बिल्डिंगें बड़ी हैं या सड़कें बड़ी वो हैं या इस तरह है, हालांकि वो भी एक अंदाज में पॉलिश करके दिखाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और तो फिर हम लोगों की कोशिश थी कि हम ये दिखाएं कि इस्लाम इज़ वेरी पीसफुल रिलीजन, नो डाउट इस्लाम इज़ वेरी पीसफुल और वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी दीन में एक अंदाज में कॉम्प्रोमाइज़ करें या उसको एक अंदाज में लोगों को दिखाने के लिए उसमें ऐसी लचक पैदा करें जो उसमें है नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इस्लाम यानी कुछ लोग समझते हैं कि इसके पीछे जो एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, आपने बात की कि इस्लाम इज़ द पीसफुल रिलीजन, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम जब किसी को वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ना तो इसका मतलब है कि आप मेरी अमान में। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब किसी को कहते हैं आहलन व साहलन मरहबा तो हम कहते हैं कि आपको यहाँ कोई तकलीफ परेशानी, तो ये इससे भी कहीं ज्यादा पीसफुल दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात आपने कही कि जो यानी हम जिस फॉर्मूले के ऊपर इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, वो होता है कि आज की शाम मसीह अलैहिस्सलाम के नाम। अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ कि हमारी हर शाम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आली इब्राहिम, तो उसका मतलब है कि इब्राहिम अबुल अंबिया हैं, आपकी जितनी आल से नबी पैदा हुए हैं उन तमाम के ऊपर सलाम। तो हमें तो ये रोजाना जो है वो रोजाना की शाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम, तो एक दिन की जो है वो शाम मसीह अलैहिस्सलाम के नाम करके, ये सच्ची बात है, ये मुसलमानी नहीं है। इस्लाम तो ये बताता है कि रोजाना उन अंबिया अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम भेजो और सलामतियां जो है वो दुआएं
दुआएं करो कि जिन्होंने इंसानियत को रुश्दो हदायत के साथ जो है वो हमकिनार किया है, जिन्होंने हमें हदायत का रास्ता सिरात मुस्तकीम जो है वो दिखाया है, आप रोज़ाना उनके ऊपर दुरूद सलाम भेजो। और ये आप देखेंगे कि ना सिर्फ इन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलाम के एक शाम मसीह अलैहिस्सलाम के नाम के जो लॉलीपॉप सेल किया है, बल्कि इन्होंने वालदैन के साथ भी यही किया कि आज जो है वो मदर डे है, फादर डे है, टीचर डे है, ये तो डेली बेसिस पे होना चाहिए कि हम अपने वालदैन और साथ का शुक्र अदा करें। चीज जो अनलिमिटेड होनी चाहिए उसको लिमिटेड कर दी, लिमिटाइज करके हमें जो है उसको उन्होंने कमर्शियलाइज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक बोंडा तस्वीर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा ये भी है कि मैंने जो कुछ पढ़ा था इस मुतालिक के वेस्ट में इस दिन सबसे ज़्यादा नऊज़ु बिल्लाह लोग शराब पी के एक्सीडेंट में चले जाते हैं और नऊज़ु बिल्लाह औरतों के साथ ज्यादती है, इसके बारे में क्या आपके पास? उसकी वजह ये है कि जब इंसान खुश होता है तो अक्सर आपे से बाहर हो जाता है, आपे से जब बाहर होता है तो अब इसमें क्या खूबसूरत एक वाक्य अल्लाह ताला ने दिल में पैदा डाला है, जब इंसान खुश होता है तो आपे से बाहर हो जाता है, और अगर वो फाते होता है तो वो तबाही और बर्बादी की जो है ना वो एक मिसाल कायम कर देता है, अपने नारे लगवाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की सबसे बड़ी खुशी है फतह मक्का, बिल्कुल फिर भी उसमें असर आई, आप इस्लाम का इमामा मुबारक जो है वो कोहान से लग रहा था, आजी के साथ इस कदर झुके हुए थे, बिल्कुल साहबा ने कहा कि अल यौमुल मल्ह, अल यौमा यौमुल मलहमा, बिल्कुल आप इस्लाम ने फरमाया कि नहीं, अल यौमुल यौमुर रहमा, आज तो रहम का दिन है, दरगुजर का दिन है। और अल्लाह सुबहाना ताला के सदके जाए, अल्लाह सुबहाना ताला ने कहा कि जी आज के दिन आप अल्लाह की हमदो सना कीजिए, तौबा और इस्तगफार कीजिए, है जी। अब ये होता ये है कि ये हमारी तालीमात है, यूरोप में इसको मलहूज खातिर चूंकि नहीं रखा जाता तो खुशी से आपे से बाहर होते हैं और शराब जो है वो शराब नोशी, और शराब जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ है, इसको समझा जाता है। जब शराब पी जाती है तो फिर मारकुटाई भी होती है, फिर जना भी होता है, फिर कत्ल व गारत भी होती है, फिर एक्सीडेंट भी होते हैं। तो एक यूरोप का जो अखबार इस पे एक रिपोर्ट शाया करता है कि आज के दिन 25 दिसंबर की नाइट को और 25 दिसंबर के दिन को सबसे ज़्यादा शराब बिकने के केसेस, शराब पीने के केसेस रिपोर्ट होते हैं, एक्सीडेंट रेप केस होते हैं, बीवियों को मार कुटाई के जो है वो केस किए जाते हैं, कत्लो गारत होती है। यानी आप देखिए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसको हमने कमर्शलाइज किया, शराब की भी मशहूरी बिक्री हो रही है, और जो है वो जुए खाने जो है वो अपने अरूज पे पहुंचे हुए हैं, उस दिन जो है वो जना आम हो रहा है, कत्लो गारत हो रही है, शराब के नशे में एक्सीडेंट हो रहे हैं, और ये तमाम, और ये हम नहीं कह रहे, ये आपका वेस्ट कह रहा है, उसकी ये रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये सही बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। बारकल्लाह फीक अब्दुल वारिस भाई, आखिर में अब इस बात पे आते हैं कि क्या एक मुसलमान को इन जैसे त्योहारों में जाना चाहिए, क्या उसमें हाजिरी देनी चाहिए, और क्या उसमें नाऊज़ु बिल्लाह मैरी क्रिसमस कहना चाहिए नहीं चाहिए? हमने इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की कि मैरी क्रिसमस का लुगवी एतबार से गो के ये मतलब नहीं है, लेकिन आप मुबारकबाद उनको यही दे रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि आज के दिन खुदा ने बेटा पैदा किया, उनका अकीदा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायात जो पहुंचती हैं वो ये है कि आज के दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके त्योहारों में शिरकत नहीं करो, क्योंकि यहाँ अल्लाह का अजाब गज़ब नाजिल हो रहा होता है। तीसरी बात ये कि अगर आप उनकी इस्लाह की नीयत से आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, आप उनको वाज कर सकते हैं, उससे इंतशार ना पैदा हो, उससे लड़ाई झगड़ा ना हो, नक्शे अमन ना हो, ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये बड़े उलुल अजम लोगों की जो है वो मैं समझता हूँ कि ये हम जैसे आम लोग तो बेचारे ये कर ही नहीं सकते। बाकी जो आइमा का एक फतवा है वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा है कि इस रोज अगर आप उनके यहाँ एक तरबूज भी काट देना तो बिल्कुल इसके मुतरादिफ है कि जिस तरह आपने सुअर को ज़िबह किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें देखें ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत की वो उनमें से है। और देखें इसमें अगर आप देखें ना, ये एक यानी बुनियादी यानी दीनी त्यौहार है, एक होता ना कल्चरल हो गया, ये तो दीनी खालिस दीनी त्यौहार है, उसमें आप शामिल हो रहे हो और उसमें आप मुशारकत कर रहे हो, चाहे ज़ुबान से करें या जिस्मानी तौर पर या गिफ्ट ले जाके भी, तो उसमें एक अंदाज़ में ये कि
جو جن کی مشابہت کرتے ہیں وہ ان میں سے, اور یہ صحیح ترین روایت ہے. اور حتیٰ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یعنی آپ جو تقوی اور اچھی چیزوں میں اس میں تعاون کریں, اور جو اچھی چیز نہیں ہے برائی کی چیزیں ہیں اس سے بچے رہیں. بعض ہمارے یہاں یہ لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ جی کیا ہے, یہ ہمارے کولیگز ہیں, ہمارے یہاں کام کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی ہیں, ہمارے یہاں کا ایک چھوٹا طبقہ ہے, یعنی چھوٹے سب کے طبقے سے مراد کے ایک کمیونٹی ہے, کم لوگوں کا ایک گروہ ہے. تو بھائی یہی ایک ہمارے پاس سولوشن ہے, یہی ایک سولوشن بچا ہے کہ ہم ان کے یہاں جا کے جو ہے وہ ہیپی کرسمس کریں, یا ان کو کہیں, یا ان کے وہ مشرکانہ دیکھیں, یہ ایک انداز میں آپ اس کو یہ کہہ رہے کہ تم ہمارا دین سے ہی تم اسی پہ رہو. بالکل, بجائے یہ کہ ہم جائیں ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں, ہم ان کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, جو اچھی چیز ہے جو ہے وہ تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریوں میں ان کے ساتھ شرکت کریں, بیماری میں اور دیگر جو ہے وہ مصائب میں ان کے ساتھ جا کے شرکت کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں. کیا یہ سارے مواقع ہم نے طے کر لیے؟ سب سے بڑی ویلفیئر وہ یہ جو ہمیں ان کے ساتھ کرنی چاہیے تھی کہ آخرت کی جو ابدی عذاب اس میں ہم نے ان کو بچانے کی کوشش کی. بالکل بالکل, یعنی ہمیں جو چاہیے کہ ہم ان کو ڈاکٹر اسرار دین کی طرف بلائیں. جی, ڈاکٹر اسرار مولا فرمایا کرتے تھے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ویلفیئر پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت کے حوالے کر دیں. یہی سب سے بڑی, بالکل بالکل صحیح, یہ ہم نے کیا نہیں. اور ہم اس لالی پاپ کو جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کیا ہو گیا اگر ہم شرکت کر لیں گے, یہ خوش ہو جائیں گے, ہمارے کولیگ ہیں, ملازمین ہیں, یا ہمارے احباب ہیں, علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں. تو بھائی سب سے زیادہ ان کا جو ہمارے اوپر حق ہے وہ یہ ہے کہ ان تک ہم جو ہے وہ دین حنیف, دین مبین کو جو ہے وہ دلائل اور براہین کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بالکل پہنچا دیں. اگر آپ دیکھیں نا اس پہ بھی, مطلب یہ جو تہواروں میں جانے پہ بھی علماء نے بہت ساری باتیں, بلکہ اس پہ ابن تیمیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, اقتضاء الصراط المستقیم, اس کی اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے, مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے بھی ترجمہ, وہ پڑھنے کے لائق ہے. اور اسی طرح اگر اس کے بارے میں کوئی مزید ڈیٹیل انسان پڑھنا چاہے تو یہ مختصر سی ماشاء اللہ الوائز بھائی نے لکھی ہے, ماشاء اللہ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے, پی ڈی ایف میں, لیکن آپ کی اجازت نہیں ہوگی. میرے میرے بھائی نے ایک مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ بڑے تک کرسمس, تو اس کا ایک میں نے جواب دیا تو وہ کتاب بن گئی الحمدللہ ماشاء اللہ. اور دوسری بات دیکھیں نا, ماشاء اللہ جو کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ہم ان کو دین کی طرف بلائیں, وہ تو ہم کر رہے نہیں ہیں, لیکن وہ عبدالوارث بھائی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امت مسلمہ کے بھرپور تعاون, شفقت, یعنی ہمارا جو ایک قرضہ ہے وہ آپ اتار رہے ہیں ماشاء اللہ. حقوق الناس جو فاؤنڈیشن ہے جس میں آپ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں, اگر آپ ہمیں کچھ ان کے بارے میں کوئی ایک دو قصہ بتا دیں, ان کی کوئی نیو مسلم کی ایسی سٹوری جو ہمیں اپنے دین کی. الحمدللہ میں ایک بچی کا واقعہ اکثر اس کو بیان بھی کرتا ہوں کہ بچی جب آئی ہمارے یہاں تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ کوئی مسلمانوں کو نصیحت کرنا چاہتی ہیں, تو وہ فرمانے لگی کہ عبدالوارث بھائی میری 25 سال عمر ہے اور پڑھی لکھی ہوں, مختلف سکل ماشاءاللہ وہ جانتی تھی, اور کہنے لگی کہ اپنے اللہ کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نہیں, ان کو دشمن بنا کے نہیں. اور اب مجھے پتہ ہے کہ میں مر جاؤں گی نا تو میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی لوگ نہیں آئیں گے. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے مسلمان بہن بھائیوں سے کہیے گا کہ جس دین کے لیے ہم اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, گلی محلے, سہیلی, سکھیاں, سہیلیاں سب کچھ قربان کر کے آتے ہیں نا, اللہ کا واسطہ ہے, اس دین کی قدر کیجیے. اللہ, یہ دین کے لیے اگر اللہ نے 1000 زندگیاں دی ہوں اور 1000 زندگیاں بھی قربان کر کے یہ دین حاصل کیا جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ عبدالوارث بھائی ان سے کہیے گا کہ یہ دین مفت میں جو مل گیا نا اس کی قدر کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالی حقیقتاً ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات یہی ہے کہ یہ واضح اور مبین, یعنی واضح, اور الحمدللہ ایک بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, اور اللہ کے یہاں یہ ایک سنت ہے کہ جو اقوام اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتی اللہ وہ نعمتیں ان سے چھین لیتے ہیں. صحیح بات. تو اس سے پہلے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے نعمت چھین لے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی جو ہے وہ قدر اور اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر عبدالوارث بھائی. بارک اللہ, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں. سچ بات ہے کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں نا لوگ بہت مصروف ہیں,
और ये जो मॉडर्न लाइफ है ना आपको टाइम नहीं देती, तो उसमें से आपने टाइम निकाला उसके लिए हम आपके कदरदान हैं। और अल्लाह से दुआ है, गो हैं कि अल्लाह ताला हमारा ये आपका इधर आना जाना और हमारा इधर ये बैठना उठना अपने दरबार में कबूल व मंजूर करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि ये पैगाम अपने आप हर दोस्त को दें और ख़ुद भी गौर से सुने और दूसरों को भी दें, क्योंकि देखें हम अगर आप देखें लोग बुराई को शेयर करने में बहुत आगे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसी बल्कि उससे बढ़ चढ़ कर इस खैर को फैलाएं और लोगों को बतलाएं कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है और उसके क्या हकायक हैं और वो किस बेस पर खड़ी है। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।